लिमराडा से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोटल भारत में 724 केसेस हुए कोरोना वायरस के और साथ ही साथ में 17 लोग की डेथ हुई है। कोरोना वायरस के जो शिकार बने हैं 724 लोग को इन्फेक्शन हुआ है, उसमें 17 लोग की मौत हो गई है पूरे भारत में। और आज की खबर है कि कल्याण पर 25 उम्र का लड़का जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था उसको इन्फेक्शन हुआ, उसको KDMC हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, कल्याण डोंगवली हॉस्पिटल में। वो तुर्की रिटर्न था, 15 मार्च को तुर्की से आया था, उसके बाद कस्तूरबा हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया और एक वेडिंग को अटेंड करने आया था और 1000 लोग का एक गेस्ट के साथ में एक वेडिंग को अटेंड किया था और उसके बाद में उसको इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद में अभी उसको KDMC हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और चलते दूसरी खबर की तरफ, स्लम में अभी बहुत सारे स्लम में भी इफेक्ट होना शुरू हो गया है। स्लम में जैसे परेल चौल में 65 उम्र के एक बुज़ुर्ग को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद में 37 एज के एक आदमी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है जामलीपाड़ा से, और उसके बाद 25 उम्र के एक लड़के को और एक 68 उम्र के एक आदमी को घाटकोपर में इन्फेक्शन हुआ है। मतलब ये स्लम एरिया में भी आ चुका है। और स्लम एरिया में कैसा है कि हम कंसिस्टेंट जगह पे रहते हैं, मतलब बहुत कम जगहों पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस है। और जैसे मुंबई पुलिस ने एक एसेंशियल पास जारी किया है जहाँ पे हर DCP एक पुलिस स्टेशन को 1500 से 2000 पासेस दे सकते हैं। तो वो पासेस दिखाने पे पुलिस का NOC समझ लीजिए, मतलब पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, पासेस दिखा के आप पुलिस को क्रॉस कर सकते हैं और वहाँ पे आप परचेस करने के लिए निकल सकते हैं। जैसे कि कल महाराष्ट्र के CM उद्धव साहब ने ऑर्डर निकाला था कि मतलब 24 आवर्स जो एसेंशियल गुड्स है वो मिलेंगे, जो शॉप्स है वो चालू रहेंगे, तो उसके वजह से ये पासेस निकाले गए ताकि पासेस रहेगा स्पेसिफिक, 1500 से 2000 लोग अगर आते हैं परचेस करने के लिए तो काफ़ी क्राउड कम मिलेगा और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट भी ईजिली वो यूज़ कर सकते हैं। टोटल 195 कंट्री में 5,33,400 केसेस पाए गए 195 कंट्री में टोटल वर्ल्ड में, और उसके बाद में उसमें 24,000 लोग की डेथ हो चुकी है। मतलब 5,33,000 केस में से 24,000 की डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस इन्फेक्शन से, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और RBI ने एक स्टेटमेंट निकाला है कि मार्च 27 तक का जो भी EMIs है और जो भी लोन्स है उसको 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाएगा। मतलब RBI ने बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि EMI के लिए मैं काफ़ी दिनों से बता रहा था कि EMI कैसा होगा, कैसा भरना होगा, तो वो बर्डन ही है हमारे लिए, लेकिन अभी RBI ने उसको इनिशिएटिव लिया है और उसको 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया है। मतलब अभी एट प्रेजेंट में कोई EMI भरने की ज़रूरत नहीं है। और विदर्भ में 5 केस पाए गए हैं, महाराष्ट्र विदर्भ में 5 केस पाए गए हैं, उसमें से 4 केस नागपुर के हैं और एक केस गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो 5 केस वहाँ के पाए गए। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, सब फैमिली के अलावा बाकी सबसे दूर होना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए, किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, तो उसी तरह उसको भी वो भी एक प्रिकॉशन है। और साथ ही साथ में गर्म पानी ज़्यादा पीजिए, गर्म पानी से वो जैसे ही यहाँ पे इन्फेक्ट होता है तो यहीं से अगर वो गर्म पानी पीते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाएगा तो वो इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो अगर गर्म पानी हम दिन में 3-4 बार भी पीते हैं ना तो बहुत है हमारे सेहत के लिए और कोरोना वायरस से प्रिकॉशन के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें बताया गया कि जो प्रिकॉशन मेजर में ये भी बताया गया विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। अभी तो फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज तो शायद से मार्केट APMC मार्केट चालू हो गया है और फ्रूट्स भी अवेलेबल है, जैसे मार्केट चालू है तो फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ग्रेपफ्रूट, पपाया, शिमला मिर्च और कीवी, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ में सिट्रस फ्रूट को भी खाने को बोला है। सिट्रस फ्रूट का मतलब है जहाँ पे दाने दाने होते हैं, जैसे ऑरेंज संतरे में जैसे दाने दाने होते हैं ना, वो भी ज़्यादा खाने को बोला है, जैसे ऑरेंज, लींबू, ऑरेंज, कीवी, संतरा, मौसम्बी, तो ये सबको भी ज़्यादा खाने को बोला है। जैसे मुंबई पुलिस ने टाई अप किया है कि डी शिवानंदन फाउंडेशन के साथ में, रोटी बैंक के साथ में, जो होमलेस है, जैसे मैंने बताया था कि होमलेस काफ़ी क्वांटिटी में है, जो हमारे पास होमलेस है जिनके पास घर मौजूद नहीं है, तो वो कहाँ ब्रिज के नीचे का रेलवे स्टेशन में रहते हैं, तो उनको खाना देने का उन्होंने तय, मुंबई पुलिस ने उनके साथ में टाइप किया है और उनको खाना दिया जा रहा है, डेली का 1000 लोग को खाना दिया जा रहा है। तो आप भी जितना हो सके अपने बाजू में जो ज़कात है, जो फितरा है, जो सदका है, वो निकाल के दे सकते हैं
जो भी गरीब है आपके नज़र के सामने उनको डोनेट कीजिए। और ये क्रिशियल मूवमेंट है, ये मतलब 21 तारीख तक का, सॉरी 14 अप्रैल तक का ये प्रॉब्लम चलेगा, उसके बाद में इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस है। आज के लिए इतना ही, मैं करीम दाऊद लिमरा टाइम से, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे